तो कैसे हैं आप मंच जबरदस्त और दिनदार। मैं अरमान और आप सबका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश वीडियो में। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए खास होने वाला है 2021 में। मेरी तरह ही आप लोगों को यूट्यूब मतलब आप लोगों की हर लोग मतलब दुनिया में अभी 99% जो आदमी है वो यूट्यूब में वीडियो देखता है और ये मन ही मन सोचता है कि काश मेरा भी एक यूट्यूब चैनल होता। लेकिन किसी ना किसी कारण आप लोग इसमें अटक जाते हैं और अपना चैलेंज जो है मतलब अटक जाते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप अपना यूट्यूब चैनल जो कि है क्रिएट नहीं कर पाते या तो समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी एक यूट्यूब चैनल जो है बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपना एक खुद का जो है यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसके साथ ही मैं इसको इस YouTube चैनल को मैनेज करना भी सिखाऊंगा कि किस तरह आप इस YouTube चैनल को जो है मैनेज कर सकते हैं और किस तरह इस YouTube चैनल में आप अपना जो है वीडियो डाल सकते हैं। और उसके बाद आता है कि YouTube चैनल का एक लोगो होता है, उसके बाद थंबनेल होता है, उसके बाद बैनर होता है। तो कैसे क्या चीज़ करना है सब बाद में इस वीडियो के अंदर ही बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को जो है फुल्ली मैनेज कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। तो इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पहले से सब्सक्राइब है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ और मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल मतलब एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू एक यूट्यूब चैनल जो है बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र जो है उसको ओपन कर लीजिए। और उसको ओपन करने के बाद अगर आपका कोई भी पेज जैसे कि मेरा पेज अभी ऐसे ओपन है, अगर कोई भी पेज ओपन है तो सिंपल से यहाँ पे होम स्क्रीन पे लेफ्ट कॉर्नर पे होम स्क्रीन पे दबा दीजिए तो ये होम स्क्रीन आ जाएगा। और होम स्क्रीन पे आने के बाद ये जो आपका आइकन रहेगा मतलब पहले से जो जीमेल अकाउंट से लॉगिन रहेगा तो उसको एक्चुअली हम लोग करना क्या है, सारे जीमेल अकाउंट को लॉग आउट करना है। और सबसे पहले आपको एक जीमेल नया फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद आइकन पे दोबारा से क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे अपने मोबाइल पे रह गए सारे जीमेल एड्रेस को दिखाएगा। तो सिंपली यहाँ पे साइन आउट एंड टर्न ऑफ सिंक्रोनाइज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए तो यहाँ से सारे के सारे जितने भी अकाउंट थे आपके गूगल के वो यहाँ से साइन आउट हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है जीमेल और जीमेल पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा gmail.google। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिए तो ये कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए क्रिएट अकाउंट पर और फॉर माई सेल्फ यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम जो है डाल दीजिए, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ अरमान। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा तो जो कि आप देख सकते हो ऑप्शनल है, इसको बाद में भी दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस इसको भी हम लोग बाद में दे सकते हैं। तो मंथ जो है सिलेक्ट कर लेते हैं मैं अपने। उसके बाद जेंडर यहाँ पे अगर मेल है तो मेल दीजिए, फीमेल है तो फीमेल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एग्री का ऑप्शन आएगा नीचे तो इसको आप सिंपली एग्री कर दीजिए और आपका जो है एक जीमेल अकाउंट फ्रेश नया जीमेल अकाउंट बन चुका है। तो हम लोगों का जीमेल अकाउंट अभी बन चुका है। फिर से दोबारा से एड्रेस बार पे जाइए और आप टाइप कीजिए youtube.com और प्रेस कर दीजिए एंटर। उसके बाद आपका जो है इस तरह कुछ ओपन हो जाएगा यूट्यूब। तो थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए राइट साइड पे और इसको जो है डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट कर दीजिए। तो ठीक जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन होता है ठीक उसी तरह यहाँ पे ये जो है ओपन हो चुका है आप देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है साइन इन। तो हम लोग यहाँ पे जो जस्ट अभी हम लोग ने एक जीमेल अकाउंट बनाया है इससे हम लोग साइन इन करेंगे यहाँ पे।
तो साइन इन पे क्लिक करते देख सकते हैं आप लोग कि ऑटोमेटिक जो है हम लोगों ने जो अभी जस्ट एक यूट्यूब चैनल मतलब जीमेल बनाया था उससे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका है। अगर ऑटोमेटिकली लॉगिन नहीं होता है तो आप जो नया जीमेल अकाउंट है उसका ईमेल और पासवर्ड डाल के इसको एक्टिव कर दीजिए। तो एक्टिव करने के बाद सिंपली आपके इस आइकन पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू चैनल। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक कर तो यहाँ पे क्रिएट न्यू चैनल पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे सिंपली आया गेट स्टार्ट योर क्रिएटर जर्नी बिल्स, तो गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यूज योर नेम जो लिखा है इसी को आप क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट जो ए वाला ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का आ चुका है और चैनल का नेम जो रहेगा वो ऊपर लिखा हुआ है अरमान मंजरी, तो यही चैनल का नेम भी रहेगा। अगर आप चाहे तो आप अपना चैनल का नेम जो है जीमेल अकाउंट से चेंज भी कर सकते हो, मैं बाद में दिखा दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे आता है एक पिक्चर अपलोड पिक्चर करने बोल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग अपना चैनल का जो लोगो मैंने बताया था उसको दे देना, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चैनल डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, तो जैसे कि आपका चैनल कोई ब्लॉग के ऊपर है या तो खाना पकाने के ऊपर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हो गया इसका काम। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ऐड लिंक योर साइट, मतलब आपका कोई अगर वेबसाइट है तो यहाँ पे उसको आप URL डाल सकते हैं। उसके बाद सोशल लिंक्स, यहाँ पे अगर आपका फेसबुक का फेसबुक पेज है या तो फेसबुक प्रोफाइल का लिंक देना चाहते हैं तो इस जगह पर आप उसको सिंपली पेस्ट कर सकते हैं और आपका फेसबुक प्रोफाइल जो है यहाँ पे लिंक हो जाएगा। यानी जब विजिटर आएंगे आपका प्रोफाइल चेक करेंगे यूट्यूब का तो वो डायरेक्टली आपके फेसबुक पे भी जा सकते हैं। तो उसके बाद हो जाने के बाद यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं या तो इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेटअप लेटर करेंगे, तो ऐसे करते ही देख सकते हैं कि चैनल जो है क्रिएट हो चुका है, वापस से वो यूट्यूब के एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो फिर से हम लोग चलते हैं इसके ऊपर और चैनल जो है देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है। और अभी हम लोग चलते हैं वापस से क्रोम ब्राउज़र के ऊपर और फिर से जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। राइट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे आइकन के ऊपर, देख सकते हैं पहले यहाँ पे लिखा आ रहा था क्रिएट यूट्यूब चैनल, अभी आ रहा है योर चैनल, तो योर चैनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बारी आता है कस्टमाइज चैनल का, तो कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर दीजिए। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जो आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा है चैनल ट्रेलर फीचर वीडियो, ये सब आपको डालना है। ब्रांडिंग पे आता है जैसे प्रोफाइल पिक्चर ब्रांडिंग पे आता है, जैसे मैंने बताया प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैनर होता है, जो बैनर मतलब मैं आपको बता देता हूँ जो यूट्यूब के ऊपर आता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यूट्यूब ओपन किया, तो चलिए मैं अपने चैनल को दिखाता हूँ। चैनल तो जैसे कि ए वाला पोर्शन है जो ऑल इन ऑल टेक 99 बड़ा करके लिखा हुआ है, ये बैनर हो गया है और नीचे जो है प्रोफाइल पिक्चर है। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग अपलोड करना है। और एक होता है वाटरमार्क, वीडियो वाटरमार्क, जब वीडियो चलता है नीचे राइट कॉर्नर पे फोटो आता है, जैसे कि मेरा आएगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो ये सब होता है। इसके बाद बेसिक इन्फो में आप जैसे मैंने बताया कि आपका अगर कोई लिंक वेबसाइट है वो डाल सकते हैं। उसके बाद अगर पब्लिश पे सिंपली क्लिक कर देना होगा तो आपका जो वीडियो है वो चल जाएगा, मतलब YouTube चैनल वो क्रिएट हो चुका है फुल्ली। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना जो फर्स्ट वीडियो है उसको अपलोड करना है। तो वीडियो अपलोड कैसे करते हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, और कैसे आप अपना जो लोगो है और थंबनेल है और आगे का चीज़ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सकते वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।